जब कर्नाटक का चुनाव आया, वहां के नतीजे उनके पक्ष में नहीं थे, लेकिन वहां जाकर के सबने हाथ पकड़ पकड़ के फोटो खिंचवाई और उनके राग दरबारियों ने हवा बनाई कि बहुत बड़ा गठबंधन हो गया, सबने हाथ मिला लिए, एक दूसरे को गले लगा लिया, अब मोदी बच नहीं सकता है। बेंगलुरु से निकल करके दिल्ली पहुंचते पहुंचते ये सारे एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। पिछले चुनाव में सपा और बसपा जो दुश्मन थे, आज बचने के लिए तुम मुझे बचाओ मैं तुम्हें बचाऊं, तुम मुझे बचाओ मैं तुम्हें बचाऊं, ये बचने का खेल खेल रहे हैं। और इतना जोर लगा लिया, आप मुझे बताइए महाराष्ट्र में कांग्रेस का और एनसीपी का साथ लड़ रहे हैं, लेकिन शरद पवार और राहुल गांधी को एक मंच पर किसी ने देखा क्या? महाराष्ट्र का चुनाव पूरा हो गया, बिहार में लालू यादव और कांग्रेस साथ चुनाव लड़ रही है, उन दोनों को नेताओं को एक साथ देखा क्या? नहीं देखा। ये इन सबका यही हाल है, वो अभी से बंटवारा करके बैठे हैं लेकिन एक दूसरे का साथ देने के लिए तैयार नहीं है। भाइयों बहनों, अकेली भारतीय जनता पार्टी और उसके साथ ही देश की सेवा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।